In today's current affairs decoded session, myself Shivaji Kale is going to discuss about important news from 26th May. तो यहाँ पे देखो पहली न्यूज आई है, इट इज अबाउट द पॉइंट ऑफ सॉलिडेरिटी ट्रायल्स, है कि नहीं, WHO में जो ट्रायल्स चल रहे हैं एंड द पर्टिकुलर इत्सिक्यू मेडिसिन के रिलेटेड उन्होंने सस्पेंड कर दिया है उस पर्टिकुलर ट्रायल को. तो क्या है सॉलिडेरिटी ट्रायल्स, ये पहले समझ लेते हैं. As you are aware of this particular COVID-19 pandemic has started, different countries across the world started trying to take the medicines which are available to see its efficacy on the particular patient. ठीक है, तो particularly 4-5 medicine जो है उसके ऊपर हर country अपने अपने देश में अपने अपने तरीके से trial कर रहे थे. But what is happening कि ये ट्रायल अगर इंडिया में एक पर्टिकुलर मेडिसिन के ऊपर ट्रायल कर रहे हैं, वही ट्रायल अगर फ्रांस कर रहा है, वही ट्रायल अगर इजराइल कर रहा है, तो इट इज़ टेकिंग से वी आर स्पेंडिंग द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द सेम रिजल्ट. ठीक है, तो इससे अच्छा क्या कर सकते हैं WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलेटेड भी है, तो इट कैन कोऑर्डिनेट सच टाइप ऑफ एफर्ट्स एंड फिर अलग अलग कंट्री अलग अलग ट्रायल्स अलग अलग मेथड से करेंगे एंड इफ दे विल शेयर द डेटा इट विल बी स्पीडी टू फाइंड आउट द रिजल्ट. ठीक है, तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा एंड हेंस इट विल बी मोर इफेक्टिव पर्टिकुलरली इन दिस पर्टिकुलर COVID-19 पैंडेमिक, क्योंकि इसके रिलेटेड कोई ड्रग अवेलेबल नहीं है. सिमिलरली वैक्सीन के बारे में भी आप कर सकते हो, लेकिन जो फिलहाल जो HCQ मेडिसिन है कि नहीं, ये बहुत फेमस हुआ था देखो कुछ दिन पहले, हाइड्रोक्लोरोक्विन, क्योंकि USA के प्रेसिडेंट ने इंडिया को बोला था कि हम लोगों को HCQ मेडिसिन भेज दो, उनके पास कम था. इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस मेडिसिन. ये मेडिसिन अगर आप देखोगे तो एक्चुअली इसका पर्पज जो है, या दिस इज़ पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चर्ड और मेड टू ट्रीट द एंटी इन्फ्लेशनरी एंटी इम्यूनो डिसीजेस. ठीक है, एंड इंडिया में पर्टिकुलरली इसका ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है क्योंकि ये मलेरिया के अगेंस्ट ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है एंड बिकॉज इंडिया इज़ वन ऑफ द ट्रॉपिकल कंट्री, मानसून के वजह से या वाटर वजह से ज़्यादा मॉस्किटो होते हैं, मॉस्किटो से मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस होते हैं, मलेरिया इज़ वन ऑफ द डिसीज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग. तो इंडिया अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इसके बारे में बना चुका है एंड इट ऑल्सो कीप्स अ लॉट ऑफ स्टॉक फॉर दिस पर्टिकुलर मेडिसिन. ठीक है, लेकिन इसका कोई भी अच्छा मतलब इफेक्ट पेशेंट के ऊपर नहीं हो रहा है, दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिसर्चर्स फॉर दिस पर्टिकुलर केस. तो उन्होंने बोला है कि COVID-19 पेशेंट के ऊपर HCQ या उसके रिलेटेड जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को हो गया है कोरोना वायरस तो उसके फैमिली मेम्बर्स आर मोर प्रोन टू सच टाइप ऑफ इन्फेक्शन, तो इंडिया में उनको दिया जा रहा है, या फिर जो हेल्थ वर्कर्स है विच आर वर्किंग इन द हॉस्पिटल्स, या पुलिस ऑफिसर्स है या कॉन्स्टेबलरी है जिनको सिक्योरिटी के लिए खड़ा रहना पड़ रहा है, तो इनके लिए इन्फेक्शन ना हो इसलिए इंडिया में उनको ये HCQ मेडिसिन दिया जा रहा है. दैट विल कंटिन्यू आई गेस बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कुछ बताया नहीं है, बट WHO के ट्रायल्स यहाँ पे सस्पेंड किए जाते हैं. ठीक है, आगे जाते हैं. Now look at this particular news. This is talking about the very important application of geospatial information. ठीक है, geospatial information क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने एक आर्टिकल में एक क्लासरूम लेक्चर में हम लोगों ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में डिटेल में डिस्कशंस लिए थे, है कि नहीं. तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि सैटेलाइट के थ्रू अर्थ के ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं और अगर उसको आप डेटा सीड करोगे उसके साथ, जिसको आप बोलते हो कि जियो पोजिशनिंग डेटा. ठीक है, जैसे जियो पोजिशनिंग डेटा देखो आप गूगल मैप यूज़ करते हो, है कि नहीं, या फिर आप स्विगी पे ऑर्डर करते हो और फिर ट्रैक करते हो कि आपका डिलीवरी पर्सन हैज़ रीच टू व्हाट पर्टिकुलर लोकेशन. ठीक है, तो ये जियो स्पैटियल इंफॉर्मेशन है, जियो टैगिंग लोकेशन इंफॉर्मेशन है, ये अगर आप ये इसके साथ सीड कर दोगे तो इट विल बिकम अ वेरी गुड टूल टू चेक आउट और टू मैप द माइग्रेंट्स और एनी अदर वल्नरेबल पीपल दैट आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. अल्सो इट विल बी वेरी यूजफुल टू फीड इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज हुज आर वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड टू शोकेस कि किस पर्टिकुलर एरिया में
ज़्यादा लोग माइग्रेशन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइमिंग में, और अगर आप उसके साथ आरोग्य सेतु के डेटा का डेटा से कलेक्ट किया हुआ डेटा अगर उसके साथ सीड करोगे तो यू विल गेट टू नो ऑल्सो कि हाउ मेनी पीपल आर इन्फेक्टेड। तो फिर लोगों के लिए भी ये फ़ायदे का है कि लोग आगे जाते हुए देख सकते हैं कि हमारे रिलेटेड फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, क्वारंटाइन सेंटर कहाँ पे अवेलेबल है, कोई एनजीओ या फिर सिविल सर्विस सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर पीडीएस का शॉप, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके मोबाइल प्लेटफॉर्म पे भी दिखी जा सकती है। वो भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको दिखेगा ये सारा रियल टाइम में, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो देखो ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। फॉरेस्ट इकोलॉजिकल सिक्योरिटी ने बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है। एक्चुअली जब उन्होंने बनाया था तो दैट वॉज पर्टिकुलरली फोकसिंग अपॉन इकोलॉजिकल वेव ऑफ इंडिया, बट इसको अभी के रिसेंट पीरियड में उन्होंने थोड़ा सा कन्वर्ट करके माइग्रेंट मैप बनाने के लिए हम लोग एप्लीकेशन करने के लिए उन्होंने रेडी कर दिया। ठीक है, तो दिस इज वी कैन से जेन्युइन एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। ओके, आगे जाते हैं। नाउ देर इज अ डिटेल आर्टिकल अबाउट दिस टीरिन, है कि नहीं याद आ रहा है आपको, एक एलजी पॉलीमर नाम का विशाखापट्टनम में एक केमिकल इंडस्ट्री है, एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री द गैस नेम्ड स्टीरीन वॉज लीक्ड एंड इट हैज़ रिजल्टेड इन टू मोर्टैलिटी ऑफ सम पीपल। ठीक है, तो हम लोगों को पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए कि ये स्टीरीन गैस होता क्या है। ठीक है, तो स्टीरीन एक्चुअली जो गैस है वो इन नॉर्मल कंडीशन इट इज़ एक्चुअली स्टोर्ड इन अ लिक्विड फॉर्म। ठीक है, और अगर इसको लिक्विड फॉर्म में आपको स्टोर करना है तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट दैट द टेम्परेचर शुड बी लो, अबाउट 15-20 डिग्री सेल्सियस, एंड सेकेंड एस्पेक्ट इज दैट इट शुड नॉट गेट केमिकली रिएक्टेड विद द थिंग। ठीक है, तो उस प्रोसेस को आप बोलोगे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो दिस विल स्टार्ट पॉलीमराइजेशन, अगर हो जाएगा तो पर्टिकुलरली इट विल बिकम पॉइजनस, जो चेन रिएक्शन शुरू होगा। ठीक है, एंड हेंस दिस पर्टिकुलर स्टीरीन गैस इज स्टोर्ड इन सम बिग टैंक्स इन द इंडस्ट्री एंड रेफ्रिजरेशन, उसको कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है, उसमें कुछ केमिकल्स भी ऐड किए जाते सो डैट टू अवॉइड ऑटोमेटिक पॉलीमराइजेशन ऑफ दिस स्टीरीन इन द टैंक्स। बट एक्चुअली क्या हो गया, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉकडाउन इंडस्ट्री जो था, ये केमिकल इंडस्ट्री, इसमें वर्कर्स लोग कम रहने पड़े। ठीक है, दो दे हैव केप्ट सम ऑफ द पीपल फॉर मेंटेनेंस वर्क, बट वेन आफ्टर द 40 डेज ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड वेन द पर्टिकुलर प्लांट वॉज अगेन स्टार्टेड, ठीक है, रिस्टार्ट करने के बाद सम ऑफ द वॉल्स डिसफंक्शनड। ठीक है, और उसके दो तीन थेरीज भी दिए ये ऑथर ने कि क्यों हो सकता है, क्या हो सकता है, दैट विल नॉट बी मोर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन पर्पज, बट जस्ट रिमेंबर दैट कि ऐसे टाइप के, जिसको आप बोल सकते हो निगलिजेंस ऑफ मेंटेनेंस, में रिजल्ट इन टू सच टाइप ऑफ डिजास्टर्स। और ये सब हम लोगों को क्यों याद रखना है, क्योंकि देखो प्रीलिम एंड मेंस के एस्पेक्ट से दोनों से ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रीलिम के एंगल से जनरली साइंस के एंगल से आपको पूछेंगे कि ये कौन से फॉर्मेट में नेचुरली प्रेजेंट होता है, तो आपको बताना पड़ा कि अगर आप उसको स्टोर करोगे कि तो लिक्विड फॉर्मेट में होता है। ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए होता है, तो पॉलीस्टरीन जो होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ये सब चीज़ें करने के लिए होता है। कहाँ कहाँ पे एक्चुअली व्हीकल एग्जॉस्ट, सिगरेट स्मोक एंड अदर चीज़ में नेचुरली फाउंड होता है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर, ये इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इम्पोर्ट हैजार्डस केमिकल रूल्स के हिसाब से स्टीरीन इज क्लासिफाइड एज अ टॉक्सिक एंड हैजार्डस केमिकल। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, पर्टिकुलरली फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, अगर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सच टाइप ऑफ डिजास्टर। ठीक है, क्योंकि इंडिया में पर्टिकुलरली आप देखोगे तो भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज वेरी इल फेमस फॉर सच टाइप ऑफ थिंग, लॉट ऑफ पीपल डाइड एंड ऑल्सो हैड अ लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स। ठीक है, तो उसके लिए कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है क्या, तो हाँ है, मेंस में आप लिखने के लिए इसका यूज कर सकते हो। इन जनरल अगर आप देखोगे तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। ठीक है, दिस गिव्स अथॉरिटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट एनी पर्टिकुलर प्रोविजन दैट इज हैजार्डस टू एनवायरमेंट, एंड यस ऑब्वियसली दिस इज स्टीरीन इज ऑल्सो हैजार्डस टू एनवायरमेंट इन लॉन्ग टर्म। ठीक है,
दूसरी भी चीज़ें जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजर्डस केमिकल रूल ये देखा। तीसरा वाला है केमिकल एक्सीडेंट्स, ठीक है, इमरजेंसी प्लानिंग एंड प्रिपेयर्डनेस रूल्स, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड पब्लिक लायबिलिटी अश्योरेंस, पब्लिक लायबिलिटी का मतलब क्या है, बिकॉज सच टाइप ऑफ इंसिडेंट्स मे हैपन, ठीक है, एंड दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर कंपनी की खुद की इंश्योरेंस होगी तो फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी दे विल गेट मनी एंड दिस मनी कैन बी गिवन फॉर द कॉम्पेंसेशन पर्पज, ठीक है, फॉर द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। तो कॉम्पेंसेशन इज वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, तो ये चीज आपके आप पढ़ाई के लिए थोड़ा सा आप ध्यान में रखो, ठीक है। आगे जाते हैं, इंडिया लुकिंग टू स्टोर चीप ऑयल इन यूएस, सेस प्रधान, ठीक है। तो भैया क्या कह रहे हैं हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर्स, ही सेइंग दैट बिकॉज ऑफ रिसेंट डिक्रीज इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इट इज नाउ इकोनॉमिकल फॉर इंडिया टू प्रोक्योर ऑयल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री वर्ल्ड, ठीक है। तो गल्फ से तो हम करते ही करते हैं, स्पेशली अगर आप देखोगे तो यूएसए में तो बहुत ज़्यादा कम हुआ है प्राइस उसका, ठीक है। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल आपने नाम सुना होगा, है कि नहीं, हम लोगों ने इसके ऊपर लेक्चर भी लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में, आप जाके उसको डिटेल में देख लेना, ठीक है। टेक्सास ऑयल का भी है WTS, ठीक है, वो देख लेना किसका किसके साथ है, गल्फ वाला ब्रेंट का ब्रेंट कौन सा सी में होता है, नॉर्दर्न सी या कुछ है, ठीक है, कनेक्ट करो। ऐसे क्वेश्चन UPSC पूछती है। आज के आर्टिकल के अनुसार हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे, स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स इन इंडिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भैया कंसेप्ट ऐसे है कि इंडिया एक्चुअली इज अ ऑयल डिपेंडेंट कंट्री, है कि नहीं, क्योंकि इंडिया का प्रोडक्शन इतना नहीं है कि वो अपनी डोमेस्टिक डिमांड भी फुलफिल कर सके, तो हम इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ग्लोबल वॉर हो जाता है, वॉर भी हो जाता है, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल सम लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हैपन्स, और लाइक दिस टाइप ऑफ से कोरोना वायरस का इशू बहुत ही सीरियस हो गया एंड वॉट आर द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज, वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए या फिर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए, दो देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू यूज़ ऑयल फॉर इट्स डिफरेंट पर्पजेस। और सबसे इंपॉर्टेंट पर्पज इंडिया में ऑयल का है ट्रांसपोर्ट एंड इन सम केस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। सो इंडिया क्या करता है, इंडिया ने खुद का अपना एक कंपनी बनाया है, इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, एंड ये कंपनी जो है ये अलग अलग जगहों पर उन्होंने स्टोरेज फैसिलिटीज डेवलप की है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंगलोर है, विशाखापट्टनम है, पुदूर है कर्नाटका में, और यहाँ पे अंडरग्राउंड लोकेशंस में वो स्ट्रेट मतलब क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और स्टोर करके रख देते हैं। कितना है ये स्टोरेज, 5.33 मिलियन मेट्रिक टन है, और आपको इजी जाए अंडरस्टैंड के लिए तो ये पूरा 10 दिन इंडिया का कंजम्पशन इससे कंट्रोल हो सकता है, ठीक है, फुलफिल हो सकता है। नाउ इसको छोड़ के भी इंडिया के पास रिजर्व होते हैं, स्ट्रैटेजिक रिजर्व आप उसको नहीं बोलोगे क्योंकि दैट आर यू कैन से रनिंग टाइप ऑफ रिजर्व होते हैं। तो जो पर्टिकुलर हमारी रिफाइनरीज है या डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, फिर इंडियन ऑयल होगा या भारत पेट्रोलियम होगा, उनके भी अपने अपने खुद के स्टोरेजेस है, ठीक है। ये देखो इनको ऑयल कंपनी के स्टोरेजेस बोला जाता है, एंड दीज ऑयल कंपनी स्टोरेज आर अबाउट टू मेंटेन 65 डेज ऑफ क्रूड स्टोरेज, तो इनका बहुत ज़्यादा है क्योंकि नेटवर्क बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है। तो ये दोनों मिला के हम लोग बोल सकते हैं 10 से 12 तो अबाउट 87 डेज का स्टोरेज हमारे पास होता है। इसको भी हम लोगों ने इन रिसेंट पीरियड ऑफ टाइम वी हैव ऑगमेंटेड दिस पर्टिकुलर कैपेसिटी, कैसे, तो देखो यहाँ पे उन्होंने दिया, तो हम लोगों ने क्या किया है भैया, ऑयल टैंकर्स रेंट पे लिए है बहुत सारे, ठीक है, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये ऑयल टैंकर के ऊपर भी हम लोगों ने फ्यूल खरीद के स्टोर करके रखा है। इसके साथ साथ वी आर लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, जो आज के न्यूज़ में उन्होंने बोला है कि यूनाइटेड स्टेट्स में दे आर प्रोड्यूसिंग ऑयल, बहुत चीप भी है और वहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो हम लोग खरीदेंगे और स्टोर करके वहीं पे ही रखेंगे, ठीक है, तो बाद में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज दैट ऑल न्यूज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। आगे जाते हैं, नवीन टुडेज लेक्चर
दो दिन पहले हम लोगों का जो लेक्चर हुआ है उसमें हम लोगों ने जो टॉपिक किए हैं उसके ऊपर मैंने यहाँ पे आपको लिए एमसीक्यूज बनाए हैं और आप इसके प्रैक्टिस करके आप खुद एमसीक्यू मास्टर बन सकते हो। तो भैया हर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, यहाँ पे आपको देख के लगेगा तीन एमसीक्यू है, तीन से क्या होगा, लेकिन सिंपल देखो, अगर तीन चार एमसीक्यू आप हर रोज़ सॉल्व करोगे तो महीने के एंड में आप करीब करीब 100 से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर देते हो, ये और ये सारे करंट अफेयर्स के साथ रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो देखो भैया क्या एमसीक्यू है, वीडियो पॉज करो, इस आंसर्स ट्राई करो और फिर वीडियो स्टार्ट करके इसके डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, तो देखो भैया पहला क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट WHO, है कि नहीं भैया, बहुत चर्चा में है WHO आजकल, क्योंकि दो तीन चीज़ें हुई है, एक तो ये इंटरनेशनल इमरजेंसी आ गया है हेल्थ वाला, उसके साथ साथ हमारे जो इंडिया के पास उसकी जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होती है उसकी चेयरपर्सनशिप या हेड पोजीशन इंडिया को मिल गई है, तो इसी के ऊपर बनाया। देखो भैया WHO क्या है, बुचाए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है क्या, तो सही है भैया। इट इज़ फंडेड बाय द मेंबर्स ऑन द बेस ऑफ असिस्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली, नहीं वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन भी लेता है, यहाँ पे लिखेंगे वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन भी लेता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो दो निकाल दिया इसमें से और एक है, फिर भी तीन ऑप्शन बचते। देखो ऐसे ऑप्शन इसको बोलते हैं, कंटेंट ईजी है क्वेश्चन का लेकिन ऑप्शंस आर डिफिकल्टली और फ्रेम्ड इन अ सच ए वे दैट यू नीड टू नो मोर एस्पेक्ट अबाउट इट। क्या मोर एस्पेक्ट है, देखो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द WHO, ये भी सही है। ठीक है, अगर देखोगे 1 और 3 किस किस में है, 1 और 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिर भी क्या है, दो ऑप्शन बचते हैं। देखो दैट इज द क्वेश्चन आई कॉल्ड एज वन ऑफ द डिफिकल्ट टाइप ऑफ फ्रेम्ड क्वेश्चन, बिकॉज चार स्टेटमेंट में से चारों भी स्टेटमेंट आपको पता है कि नहीं, ये ऑप्शन में से चेक किया जा रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते, डायरेक्टर जनरल इज इलेक्टेड फॉर द 3 ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम, तो नहीं भैया 5 ईयर्स के लिए किया जाता है, 5 ईयर्स, तो फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो फोर्थ निकाल दिया, तो भैया एक ही ऑप्शन बचता है, देन आंसर इज बी। ठीक है, आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रिसेंटली जो BRI इनिशिएटिव न्यूज़ में है उसके रिलेटेड स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं। BRI इज अ मॉडर्न सिल्क रोड बेस्ड ऑन द लैंड एज हैज नो मैरिटाइम कंपोनेंट, ये तो गलत है भैया, मैरिटाइम कंपोनेंट तो है ना, आर्टिकल में किया था हम लोगों ने, है कि नहीं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ कंपोनेंट ऑफ BRI दैट कनेक्ट्स ग्वादर एंड कशागार थ्रू अफगानिस्तान, हाँ नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली जो है इट पासिस, एक्चुअली जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है इसमें से ये थ्रू होके पाकिस्तान में आता है, ठीक है, एंड दैट इज द कैच दैट यू नीड टू नो। तो देखो भैया दोनों भी स्टेटमेंट गलत है, तो क्या आंसर लिखोगे, जिन जिन लोगों ने मन में डी बोला है उनका देखो क्वेश्चन पढ़ने में उन्होंने गलती की है, क्या यहाँ पे पढ़ना था आपको, इनकरेक्ट पूछा था, ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा है तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो सी इज द आंसर। थर्ड देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव ओपनिंग टू रेड सी, ठीक है, तो देखो भैया मुझे तो एक इसमें सी सबसे इंपॉर्टेंट पता है कि इथोपिया जो है ये लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, तो मैं चार जहाँ पे आप वो मैं इलिमिनेट कर दिया, फिर भी 2 बचे, तो अभी इसमें मुझे पता होना चाहिए 3 और 6 के बारे में, तो 3 है सोमालिया एंड 6 है इट्रिया, तो सोमालिया के बारे में मुझे पता है कि जो गल्फ ऑफ एडेन है उसमें आता है, क्योंकि वहाँ पे जो एक स्ट्रेट है उसके वो अरेबियन ओशन साइड पे आता है, गल्फ ऑफ एडेन के साइड पे आता है, तो इसीलिए मैं सोमालिया को भी कट कर दूंगा, और फिर अगर सोमालिया को कट कर देंगे तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन इज डी। ठीक है, तो आपके एक्सप्लेनेशन के लिए देखो ये मैप दिखा देता हूँ आपको, इथोपिया देखा लैंड लॉक कंट्री है तो ये नहीं आएगा, और जिस स्टेट की मैं बात कर रहा था, लुक एट दिस पर्टिकुलर स्टेट, स्टेट ऑफ बाबल मंडेल, ये है सोमालिया, तो गल्फ ऑफ अदन में आ रहा है ना, रेड सी तो यहाँ पे, इसीलिए 2 एलिमिनेट करके फिर मैंने देख लिया। ठीक है, फिर भी बाकी के कंट्रीज एक बार देख लेना कौन कौन से है, सुदान आपको दिख रहा है, इधर से सऊदी दिख रहा है, इटिरिया देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिजुबिती दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट कंट्रीज दैट आर हैविंग ओपनिंग टू रेड सी। इजिप्ट तो है ही है, क्योंकि आपको आगे भी इजिप्ट से जाके जो सुएज कनाल है उसमें आप जाते हो उससे। ठीक है,
तो देखो भैया, ऐसे वाले मास्टर्स बनने के लिए एमसीक्यू के एमसीक्यू मास्टर सॉल्व किया करो। ऐसे और सारे चीज़ें भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पे विजिट करना और वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कंट्रीब्यूट करना, ठीक है? सो दैट इज़ ऑल। सब्सक्राइब टू शिवाजी काळे करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।